ठंड और कोहरे ने बिहारवासियों को परेशान किया है। पटना में भी ठंड का सितम आप देख रहे हैं और हम इस समय मौजूद हैं कुमार आशीष मौसम वैज्ञानिक के साथ। हम उनसे बात करेंगे कि सर क्या परिस्थिति बन रही, सर क्या परिस्थिति बन रही। देखिए, आज जो पूर्वानुमान जारी हुआ है उसके अनुसार जो है सो अगले 5 दिनों तक आप इसी तरह के आप कोहरे को आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगले 3 दिनों तक तापमान के जहाँ तक बात है तो उसमें उतनी परिवर्तन होने वाले नहीं है, लेकिन 4थे और 5वें दिन मतलब 6 तारीख 7 तारीख के बाद से आप देखेंगे फर्दर टेम्परेचर में फॉल होने की संभावना है। कम से कम 2 से 4 डिग्री आपको 2 से 4 डिग्री तक की कमी आपको देखने को फर्दर मिलेंगे तापमान में। कुहासा की स्थिति, हाँ बिल्कुल, कोहरा जो आज हम लोगों ने वार्निंग कर रखा है ऑरेंज कलर में कर रखा है कि राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अलग अलग स्थानों पर आप देखेंगे कि सुबह के समय चाहे शाम में इवनिंग में जो कुहासे है सो वो डेंस फॉग वेरी डेंस फॉग होने की संभावना है, जिसमें हम अगर वेरी डेंस फॉग कहते हैं तो उसमें होता है कि 50 मीटर से कम विजिबिलिटी जो है चली जाती है उनमें। वैसे ही जैसे कल हम लोगों ने पूर्वानुमान किया था तो 30 मीटर और करीब भागलपुर पूर्णिया दोनों जगह जो है विजिबिलिटी रिपोर्ट हुई है, तो मतलब बहुत वेरी डेंस फॉग जो है सो रिपोर्ट हुआ है इन दोनों जिलों में। टेम्परेचर लगातार डाउन रहने की, हाँ टेम्परेचर अभी जो आप देखेंगे तापमान है कम से कम 8 से 10 डिग्री और 10 से 12 डिग्री आप देखेंगे अनेक स्थानों पे है, परंतु अगले 3 से 4 दिनों के बाद इसमें थोड़ी सी और कमी आपको देखने को मिलेंगी। कम से कम क्या हालात रहेंगे पटना में? आपको बिल्कुल ऐसे ही है तापमान में, आज जो भी आप देख रहे हैं, कल तो थोड़ी सी तापमान में वृद्धि हुई है न्यूनतम तापमान में, लेकिन वही मैं जो बता रहा हूँ कि अगले 3 दिनों के बाद से थोड़ी सी तापमान में फिर और कमी आएगी। माने हालात यह नहीं अगले 5 जी बिल्कुल अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान और भी हाँ कम होने की संभावना है थोड़ी सी। देखिए सावधान हो जाइए, अगले 3-4 दिनों के बाद टेम्परेचर और कम होगा, स्थिति यही रहेगी अगले 5 दिनों तक कोहरा कुहासा ठंड बिल्कुल परेशान लोगों को करेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिनों के बाद टेम्परेचर और भी कम होगा तो निश्चित तौर पर ठंड और बढ़ेगी। सहयोगी राजेश के साथ मर्गो बालम, कशिश न्यूज पटना।